हरियाणा पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठने वाले गिरोह के 4 लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गिरोह में शामिल 5वां आरोपी भी अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जो और कोई नहीं बल्कि पलवल पुलिस में ASI के पद पर तैनात हंसराज है, जो महिलाओं द्वारा फंसाए गए लोगों पर पुलिसिया रौब दिखाकर गिरोह का सहयोग करके अपना हिस्सा लिया करता था। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला नवंबर 2022 से जुड़ा है, जहां महिलाओं ने पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ फोन पर अश्लील बातें कर उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। इतना ही नहीं, पीड़ित को शराब पिलाकर उसे बेसुध कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसकी वीडियो तक बना ली गई। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे 20 लाख रुपए मांगे, नहीं तो दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दे डाली। पीड़ित पुलिसकर्मी ने इसकी सूचना अपने डिपार्टमेंट में दी, जहां कार्रवाई शुरू होने के पश्चात मामले में शामिल अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक हरियाणा पुलिस में तैनात ASI है। ASI को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है, जिस दौरान उससे 10,000 रुपए नकद बरामद हुआ है। अभी तक की पूछताछ में थानेदार हंसराज ने 3-4 वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकारी है। हनी ट्रैप के मामले में पहले भी हमने 4 आरोपी गिरफ्तार किए, जिसमें 3 महिलाएं और एक लड़का था, कोई अमित रूपड़ाका का, वो पहले गिरफ्तार होकर बंद जुडिशियल है। और उसमें कल हमने 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो हरियाणा पुलिस में ESI के पद पर है, हंसराज। उसको हमने बुलंदशहर में रेड करके वहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया, जिसको आज हम अदालत में पेश करके उसका एक दिन का रिमांड मांगा है। उसके हिस्से में आई कुछ रकम 10,000 रुपये वो बरामद करनी है। इसकी हंसराज की उस दौरान पोस्टिंग 112 पे रही है पलवल के अंदर, और जो पीछे फरवरी के इसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज होने के बाद ये फरवरी के अंदर से ही एब्सेंट चल रहा है डिपार्टमेंट से, 4 महीने से डिपार्टमेंट से फरार चल रहा है। इसका रोल क्या रहा है इस केस में? ये योजनाबद्ध तरीके से जब ये लड़कियों के इनसे संपर्क हो गए, थाना के अंदर इसकी पोस्टिंग रही है, तो जब ये कंप्लेंट देने के लिए आती थी, जो लड़कियां छेड़छाड़ की, कोई रेप की, दिन से इनका संपर्क हो गया, ये योजनाबद्ध तरीके से ये पुलिस वाला उनके फ़ोन वगैरह कर देते थे, या किसी का राजीनामा करवाने का दबाव बना के ये अपने हिस्से के अपने पैसे बांट। कितने मामलों में है इसने? अभी हमें 3-4 घटनाएँ बताई है इस टाइम जी। हाँ, आज पूरे इसमें कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया, और बाकी उसकी रिमांड के बाद जो पूछताछ गहनता से की जाएगी तो पता चल जाएगी किन किन घटनाओं में और शामिल रहे। हाँ, उनके ठिकानों पे भी रेड की जा रही है। जब से ये मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ जो हमारे पास उनके सोर्स से पता चला कि फलां जगह रह रहे हैं, तो वो आरोपी लगभग फरार भागे हुए हैं, जो लड़कियां वगैरह और इसमें शामिल हैं, तो वो अपने ठिकानों पे ताड़ा वगैरह लगे भाग गई। हाँ, जो काफ़ी महिलाएं हैं उसके अंदर 29-30 नाम है हमारे पास टोटल, तो वो अपने जगह से भागी, लेकिन भागी की कब तक पुलिस से? हम उसको जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करके, हमारी वो रडार पे हैं, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे जितने भी इसके अंदर आरोपी, किसी एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। थाना प्रभारी की माने तो अब तक इस रैकेट में कुल 30 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3 महिलाएं और 2 पुरुषों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करती है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।